हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कमिंस इंडिया है 381 क्रेट पे 40 क्वांटिटी, तो कितने मुझे कितने और ग्रेड ऐड पर करना है? है 381। 381। ओके, और मुझे उसे और ऐड करना है सर, ये कब लिया था तो आपने? ये कोविड के बाद सर, ट्वेंटी दिखाओ भैया जरा, बड़ा ट्वेंटी सा वन चार्ट यार। 381 लिया था, अभी तो 3,000 का चल रहा है। सरवेन जी, देखिए इनका काम आसान करूंगा, इनसे एक सवाल पूछूंगा कि जब इन्होंने लिया था तो ये इनके पोर्टफोलियो का कितना बड़ा हिस्सा था, क्या परसेंटेज थी, और अपने पोर्टफोलियो में एक स्टॉक को ये मैक्सिमम कितनी परसेंटेज देते? बताइए कुल सना जी, बताइए। सर मैंने डाइवर्सिफाई किया था, मैंने उस समय भेल भी लिया था 20 रुपए के रेट पे, हिंदुस्तान कॉपर भी लिया था 20 रुपए के रेट पे, तो उसी में ये इसका भी एक हिस्सा था सर, मेरे पास टीसीएस भी था। नहीं, टोटल टोटल कितने स्टॉक्स आप लेके चलते हैं एक बार में पोर्टफोलियो में? सर अभी तो मेरे पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स हैं। वेरी गुड, तो 20 स्टॉक्स अगर आप लेके चल रहे हैं, मतलब 5% का आप मैक्सिमम एलोकेशन एक स्टॉक को करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। 1-2% कम ज्यादा ओवरवेट अंडरवेट वो चलता है, बट एक एवरेज आप 5% का एलोकेशन करेंगे। तो आज आप जाके अपने पोर्टफोलियो को देखिए और समझिए कि क्यूमिंस आपके पोर्टफोलियो का कितना बड़ा हिस्सा बन चुका है, और उसको 5% तक वापस लाइए। बस आपको यही करना है, उतना बेचिए ताकि आपका इसका एक्सपोजर 5% रह जाए, तो उतना प्रॉफिट बुक कर लीजिए आप यहाँ पे। समझ में आया सिन्हा जी आपके? सर मैं ऐड करूं कि नहीं सर? नहीं नहीं, आप दोबारा समझिए। आप जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये है आपके पास, आपने 20 शेयर खरीदे तो 5-5 रुपये सब में डाले एवरेज, और आपके पोर्टफोलियो में 20 है। अब उसमें से बाकी कोई 7 रुपये हो गया, कोई 3 रुपये हो गया, कोई 10 रुपये हो गया, लेकिन ये एक ऐसा शेयर है जो 6 गुना हो गया, 30 रुपये हो गया। तो आपका जो एलोकेशन है ना 5-5% 20 में, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। अभी ज़्यादा हो गया, अभी हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का 20% हो, तो इसको घटा के 5% करना, मतलब आपको इसमें से कुछ शेयर बेचना है, प्रॉफिट बुक करना है। तो सरवेन जी, आधा आधा बेचें क्या? नहीं, आई थिंक आधा नहीं, 1/5 बेचेंगे, तो 1/5 या 1/4 भी बेचेंगे तो आई थिंक डिसेंट रहेगा इनके लिए। ये पूछा था कि ऐड करना है कि नहीं करना है, तो मैंने उसका जवाब दिया कि ऐड तो बिल्कुल नहीं करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस। हाँ, तो वही तो, 40 शेयर है इनके बाद, तो 10 बेच लें कम से कम। 10 कम से कम बेच लें तो काफी हद तक इनका पोर्टफोलियो में इनको प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा और इसकी वेटेज भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर यही स्टॉक घट गया इनका ज्यादा तो इनका पोर्टफोलियो की जो जो इनका पोर्टफोलियो का जो जो इनके पोर्टफोलियो का बीटा है वो बहुत हाई रहेगा, तो इसका बहुत ज्यादा पार्ट हो जाएगा उसमें, तो ये थोड़ा बुक कर ली। तो सिन्हा जी, मुद्दा ये है कि इसमें से 10 शेयर आप बेच लीजिए और प्रॉफिट थोड़ा अंदर ले आइए, बाकी 30 बने रहने दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एलोकेशन वो भी बैलेंस हो जाएगा, और बाकी फिर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी तो खरीदने के पैसे रहेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल बहुत अच्छा ट्रेड लिया है जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। 381 वाला माल 3,000 का, 20 रुपये में बेचिए लिया, वो 250 रुपये का, तो आप बहुत अच्छे स्टॉक पिकर हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आप पेशेंटली रुके रहते हैं, धैर्यवान बने रहते हैं, इसके लिए दूसरी बधाई। तो डबल बधाई है सिन्हा जी के लिए, और वो भी देखिए कहाँ बैठ के, पटना में। शानदार, बहुत अच्छा काम किया अनुपम जी आपने। अगला सवाल